सो गाइस 15-20 मिनट चलने के बाद मैं पहुंच चुकी हूँ निगम्बो बीच। बट जितनी एक्साइटेड मैं थी उतना अच्छा रिजल्ट मुझे मिला नहीं है आके, क्योंकि अभी निगम्बो बीच बिल्कुल ही खाली है। Catch at 5:15. So this time I'm going to Sri Lanka. I'm super duper excited कि क्या होगा वहाँ पे, कैसे कैसे होगा, बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा है श्रीलंका के बारे में, बहुत सारी ब्यूटीफुल साइट्स हैं श्रीलंका में देखने के लिए। सो आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दैट। एंड अभी सुबह के 2 बज रहे हैं, सो आई एम सुपर लेजी ऑल्सो एट दिस टाइम, क्योंकि मुझे सुबह उठने की बिल्कुल आदत नहीं है। बट लेट्स सी, अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा। सो सी यू गाइस एट श्रीलंका। So, you guys must be wondering, so why Sri Lanka? The main reason was that almost after 10 years after the civil war ended, Sri Lanka was named as the best country to visit in 2019 by Lonely Planet. And I mean, like, I am a Lonely Planet fan, of course. But just after a few days of finalizing my bookings and my travel plans for Sri Lanka, I got the news of the April 21st, 2019 terrorist suicide bombings. So some of my family and friends told me to delay my plans for some time, but I was reluctant to do so. I had really fallen in love with this beautiful country, and no matter what, I had to visit it. Now let's fill you in with the Sri Lanka visa on arrival. So, Sri Lanka offers a visa on arrival for Indian citizens, but you have to apply for an ETA, which stands for an electronic travel authorization, beforehand online. This allows Indian citizens maximum stay for 30 days based on tourism and business purposes. So let's have a look at the currency. 1 Indian rupee equals to 2.52 Sri Lankan rupee approx. Now comes the mode of transportation from the airport. Bandaranaike International Airport is Sri Lanka's main international airport, and it is located 35 kilometers outside Colombo, but it is closer to Negombo. Taxi and tuk-tuk are easily available outside the airport. If you're arriving at night, then you can hire a cab from the airport premises to be safe, but if it's day or morning time, then tuk-tuk is a great affordable option. Where to stay? Negombo is a great option to start your journey of exploring Sri Lanka. It is popular for its sandy beaches and old fishing industry. I chose to stay near Negombo. I booked Garden Villa Negombo, which was located at a distance of 2.6 km from Negombo Beach and 4.2 km from St. Anthony's Church. The family running the place was very helpful, and they had a beautiful garden terrace and a nice swimming pool. सो गाइज, मैं पहुंच चुकी हूँ निगम्बो। मैंने अराउंड मेरे ख्याल से 8:30 बजे के आसपास मैं पहुंच गई थी एयरपोर्ट कोलंबो के, और वहां से फिर मैंने एक टुक-टुक हायर किया जिसने मुझे 1000 श्री लंकन रुपीस कॉस्ट किया। और मेरा जो गेस्ट हाउस है, एक्चुअली गार्डन विला बंगलो करके, वहां पे मुझे ड्रॉप किया। सो ही चार्ज मी 1000 श्री लंकन रुपीस फॉर दैट, क्योंकि काफ़ी दूर था, 30 मिनट्स का ड्राइव था, तो इट वाज वर्थ इट। अगर आपने निगम्बो प्रॉपर सिटी में बुक किया हुआ है तो टैक्सी वाले आपको चार्ज करेंगे अराउंड 1000 श्री लंकन रुपीस, एंड टुक टुक वाले विल चार्ज यू अराउंड 700 श्री लंकन रुपीस। सो दिस इज़ द रेट्स, लाइक द लोकल रेट्स हियर। तो अभी मैंने चेक इन किया है अपने रूम में, थोड़ा फ्रेश हुई मैं, पूल साइड एंजॉय किया, और अब जा रही हूँ मैं निगम्बो बीच। सो लेट्स सी। सो गाइस,
15-20 मिनट चलने के बाद मैं पहुंच चुकी हूँ निगम्बो बीच। बट जितनी एक्साइटेड मैं थी उतना अच्छा रिजल्ट मुझे मिला नहीं यहाँ आके, क्योंकि अभी निगम्बो बीच बिल्कुल ही खाली है। इफ़ यू कैन सी मेरे पीछे आपको बिल्कुल खाली दिख रहा होगा, यहाँ पे कोई भी नहीं है, लाइक लिटरली यहाँ कोई भी नहीं है। मुझे कुछ टूरिस्ट मिले, कुछ थोड़े से टूरिस्ट मिले जो नियर बाय यहाँ पे रिजॉर्ट है, जो बीच साइड रिजॉर्ट्स है वहाँ पे स्टे कर रहे हैं, तो वो भी बहुत ही कम थे। अब यहाँ पे मॉनसून सीज़न भी स्टार्ट होने वाला है, तो इसलिए यहाँ पे रेड लाइंस भी, रेड फ्लैग्स लगा दिए हैं, उस तरफ रेड फ्लैग्स लगा दिए हैं साइड में कि वहाँ पे डाइव नहीं कर सकते हैं, स्विम नहीं कर सकते हैं। सो मैं थोड़ी सी फोटोग्राफी करूँगी, आई एम सो हंग्री राइट नाउ, तो मैं यहाँ का थोड़ा सा लोकल फूड ट्राई करूँगी जो भी यहाँ पे रेस्टोरेंट ओपन होंगे। और मोस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट या जो शैक्स हैं यहाँ पे वो इस टाइम क्लोज है ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस, बिकॉज रीसेंट अटैक के बाद यहाँ पे टूरिस्ट काफ़ी कम हो गया थोड़े टाइम के लिए। ऑफकोर्स कुछ टाइम बाद फिर से नॉर्मल टूरिस्ट जो है वो आने शुरू हो जाएंगे, बट फिलहाल के लिए टूरिस्ट बहुत कम है। सो फॉर नाउ मैं यहाँ पे थोड़ी सी फोटोग्राफी करूँगी, कुछ अच्छा सा खाना खाऊंगी, एंड देन आई विल बी ऑन माय नेक्स्ट प्लेस टू विजिट इन निगम्बो। निगम्बो बीच से निकलने के बाद जब आप मेन स्ट्रीट पे आओगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, काफ़ी सारे बार्स मिल जाएंगे जहाँ पे आप आराम से कुछ भी खा सकते हो, बट ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस आजकल ये सब बंद है। बहुत ही थोड़े से रेस्टोरेंट ओपन थे जिसमें से एक में मैंने ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट कम लंच किया एक्चुअली, सो आई एंजॉयड इट। और अब मैं यहाँ मार्केट से होते हुए जा रही हूँ वापस अपने रूम, थोड़ा रेस्ट करूँगी, थोड़ा सा काम करूँगी, और उसके बाद शाम को अगर पॉसिबल हुआ तो मैं ज़रूर एक बार फिर निगम्बो की तरफ आऊँगी घूमने और थोड़ा सा एक्सप्लोर करूँगी। और एक चीज़ मुझे बतानी थी आपको, यहाँ पे निगम्बो में जो पॉपुलर प्लेसेस टू विज़िट हैं उसमें सबसे पहले मेन चर्चेज़ आते हैं, जैसे सेंट मेरी चर्च है या टेम्पल है, वो सब आते हैं, बट ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस ये सब आजकल बंद किए हुए हैं, तो मैं प्रेफर नहीं कर रही हूँ विज़िट करना। इसलिए बस मैंने निगम्बो बीच देखा, यहाँ की मार्केट एक्सप्लोर की थोड़ी सी, और अब मैं अपने रूम जा रही हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, थोड़ा सा चिल करूँगी, उसके बाद शाम को देखते हैं डिनर के लिए कहीं बाहर अगर ऑप्शन हुआ तो ज़रूर जाऊँगी, नहीं तो अपना काम कंप्लीट करके अर्ली मॉर्निंग कल तंबूला निकल जाऊँगी। एंड आई एम होपिंग कि तंबूला में मुझे काफ़ी सारे टूरिस्ट मिले, काफ़ी लोग हों जो घूम रहे हों और अच्छी कंपनी हो, बिकॉज निगम्बो ऑलमोस्ट खाली ही है, मुझे मुश्किल से 4-5 टूरिस्ट दिखे, बीच साइड में कोई भी नहीं था, बहुत ही कम टूरिस्ट थे। सो आई एम होपिंग कि जब मैं डम्बूला की साइड जाऊंगी, कैंडी या एले के साइड जाऊंगी, तो आई हैव सम कंपनी ऑफ सम टूरिस्ट आई गेस। सो लेट्स सी आगे क्या होता है, बट स्टे पॉजिटिव बिकॉज ट्रैवलिंग इज़ ऑल अबाउट फन।